कि सारा दिन करे फोन पर चैटिंग, माँ गला बतलाने का टाइम नहीं, रहा उल्टी सीधी बोली मारा वह माँ से तेरी कोई गेम नहीं, और छोरिया गला खावा पीजे बर्गर कदे माँ का चुरमा खा ले रहा है, वह खुशी तो पागल हो जाएगी, तू प्यार तो थोड़ा बतला ले रहा है, और छोरिया में प्यार न टोन वाले इसलिए प्यार न कद पिछाना गा, और तो दूसरे दे दे माँ की गल बता माँ की कदर के जाना। सही बढ़िया बात है भाई, सही बात कह रखी है। किरा डाउनटाउन का पिज्जा सैनी के समोसे खुआ दूंगा, वाटिका में लागा मिला जुलिया बतने पिंगा दूंगा, शॉपिंग तो करा दूंगा मैं पद्मा सिटी मॉल में, फिल्म देखने चला दोनों इन सिनेमा हॉल में, विश्वकर्मा दबे वा चौके गेटे तेरे में रहूंगा, और के एस डी कॉलेज में मैडम एडमिशन तेने दुआऊंगा, और तू भूल जाएगी तेरे शहर में जब कैथल तेने दिखाऊंगा। मान गए बढ़िया भाई, के बात इतनी सी है पागल, उसने गैर चुने मेरा प्यार नहीं, जड़ा ना लग इस दिल की बोली सड़ाई सा कोई बाजार नहीं, और बेरा ना था मैंने तो वादिया की इतनी कच्ची पावेगी, और नुगा का छोटगी मैंने कहते तो मेरे भी अच्छी पावेगी, इब जानना जी नहीं करता जिस गाल में तेरा घर लग गया है, राज गाल रोज सुपने में देखा है तू, भगवान कसम इब तो सुन भी डर लग गया। मैं किसी तक कह रहे हमने हम तो अकेले खुश रह लिया करा, मैं किसी तक कह लेना हमने हम तो अकेले खुश रह लिया करा, और ज्यादा उठ बैठ मित्र मारी मुंड चार भाई बैठ कर दो ला लिया करा। ब्रांड मीडिया देखा वाले सारे दर्शक नाम पुंडरी राम राम, एक भाई ने वॉइस ऑफ हरियाणा नवा क्लब खोलिया भाई, और भाई ने सारी बात पूछे राम राम भाई जी, राम राम भाई, राम राम भाई, राम राम भाई, राम राम भाई जी, राम राम भाई। पहले दर्शक ने भाई अपना नाम बता दे, जिला तहसील और गांव बता दे। भाई मेरा नाम दुष्यंत है, मैं इस गांव में और जिला अपना कहते हैं भाई। अच्छा, फिर क्यों कर सोची था ना क्लब खोलने की, पहला तो खुद भी शायरी करे करता और क्लब में। हाँ बिल्कुल भाई, पहला मैं मतलब हरियाणवी क्लब में जाया करता कुछ शायरी करने, मेरी बहुत सी वीडियो वायरल भी हुई है, एक कैथल तरह दिखाऊंगा यार बहुत वीडियो चली है मेरी, तो मैंने भी सोचा यार कि अपना खुद का एक क्लब करूँ, लेकिन अपने क्या करिए अभी उसमें कोई भी आप जावा किसी भी क्लब में जावा तो एक एंट्री फीस ले जा अपना भाई, ठीक है, लेकिन मैंने बिल्कुल फ्री कर दिया भाई सब खातर कि अब कोई भी भाई आओ ठीक है, अगर उसमें टैलेंट है नहीं, उसमें टैलेंट है तो आप सिर्फ उसका टैलेंट चाहिए, मैं पीछे की अपना कोई जरूरत को नहीं, जड़ा लगा अपना बचा लगा नहीं, आप चलावेंगे उसमें, अगर अगला का टैलेंट है नहीं तो पूरा क्रेडिट उसका भाई, और जो उसका टैलेंट दिखाएगा पे उसे पीसी लेवा नहीं, तो यह बात तो मतलब मैंने ठीक से नहीं लगी। अच्छा, मतलब एंट्री फीस कौन लेता तो ना भाई सब बिल्कुल फ्री है, अगर आप में टैलेंट है नहीं तो आप आओ शायरी कॉमेडी या फिर चुटकुले जो भी आप ना सुनाने चाहो थोड़ा जाकर सुनाओ, बिल्कुल फ्री है, कोई आपका मतलब उसमें फीस कौन लगती। अच्छा, क्लब का नाम और बता दे एक बार दर्शकों। भाई क्लब का नाम है वॉइस ऑफ हरियाणा, इसे नाम था यूट्यूब पर भी चैनल अपना, इसे नाम था अपना इंस्टा पर भी आईडी मिल जाएगी। अच्छा, जो कोई कॉन्टैक्ट करना चाहो भाई कर भाई इंस्टा पे अपना कॉल का ऑप्शन भी दे रखा है आईडी पे, व्हाट्सएप का ऑप्शन भी दे रखा, और जो भी पोस्टर आवा पे उसमें उस पर अपना नंबर भी देवा, मेरी पर्सनल आईडी पे भी अगर कोई मैसेज करना चाहो तो पर्सनल आईडी पे मैसेज कर सकता 24/7 उसने रिप्लाई मिलेगा। अच्छा, पर्सनल आईडी क्या है तेरी? पर्सनल आईडी भाई मेरी पागल शायर नाम था। अच्छा, फिर एक शायरी चढ़ी तेरी कैथल वाली बस सुना दे भाई। किरा डाउनटाउन का पिज्जा सैनी के समोसे खुआ दूंगा, वाटिका में लागा मिला जुलिया बतने पिंगा दूंगा, शॉपिंग तो करा दूंगा मैं पद्मा सिटी मॉल में, फिल्म देखने चला दोनों इन सिनेमा हॉल में, विश्वकर्मा दबे वा चौके गेटे तेरे में रहूंगा, और के एस डी कॉलेज में मैडम एडमिशन तेने दुआऊंगा, और तू भूल जाएगी तेरे शहर में जब कैथल तेने दिखाऊंगा। मान गए बढ़िया भाई, और शायरी भी तेरी कोई और भी चढ़ी है? हाँ भाई साहब, शायरी तो मतलब मोस्टली मेरी चढ़ी है, एक और कैथल पे मतलब मैंने शायरी गाई थी, एक माँ ऊपर भी गाई थी, एक माँ ऊपर यह शायरी थी अपनी जुकर, कि सारा दिन करे फोन पर चैटिंग, माँ गला बतलाने का टाइम नहीं, रे उल्टी सीधी बोली मारा है वह माँ से तेरी कोई गेम नहीं, और छोरिया गला खावा पीजे बर्गर कदे माँ का चुरमा खा ले रहा है, वह खुशी तो पागल हो जाएगी, तू प्यार तो थोड़ा बतला ले रहा है, और छोरिया में प्यार न टोन वाले इसलिए प्यार न कद पिछाना गा, और तो दूसरे दे दे माँ की गल बता माँ की कदर के जाना गा। सही बढ़िया बात है भाई, सही बात कह रखी है। इमें बता दे दर्शक ने जो क्लब खोलिया भाई उसमें कितने बंदे तेरे सपोर्ट में, कितने भाई? देख सपोर्ट की तो मैं बताऊँ, एक यू भाई अपना गला है, मैम दो यार मिल के खोलिया यू क्लब, और स्पोर्ट की तो यार नूं बताऊं जितने भी गाना हुए नहीं वो अपन स्पोर्टे कर रहे हैं, हैं जितने भी गाना हुआ जितने भी लाइक कर रहे हैं वो सारे एक यार तैयार नूं ले ले परिवार हो गया अपना, वो तो सारा स्पोर्ट कर रहे हैं अपन। अच्छा, कितनी दूर दूर तक बंदे आ जा भाई? भाई दूर दूर तक तो मैं बताऊं तो ना पंजाब यूपी तक भी, मैं यूपी वाला तो भाई गाना को नहीं पाया, एक भाई शहर तक आया मतलब जीन तक 45 किलोमीटर आगे बहुत दूर दूर तक आया, उसका तो मैंने माना और लंबा वेट करना पड़ा, मैं चल कोई नहीं यार इतनी दूर तक वो आने लग रहा नहीं तो थोड़ा हम भी कर सका इसको बात को नहीं, तो भाई बहुत दूर दूर तक बंदे आने लग रहे हैं। फिर जिक्र फीस तो लेंदा नहीं तो खर्चा खुर्चा के ऊपर चला भाई इसका? खर्चा तो भाई टेक रहे हैं दिल पर पत्थरी पे तो। अच्छा, भाई आगे तो आवेंगे तो ठीक है। काम कोम और क्या करा भाई? और कुछ नहीं करता मैं, कॉलेज में पढ़ू भाई, आर के एस डी में। घर क्या बोले क्या चला रहे हैं मतलब? घर क्या बोले क्या चला रहे हैं फिलहाल तो। अच्छा, घर के नू तो नहीं कहते हूँ पीछे भुक्कड़ लग रहा कुछ करता नहीं, वा घर के तो नू एक टिक तो रहा। फिर कॉलेज की बात आ गई, कौन सी क्लास में भाई? मैं बीए सेकंड ईयर में हूँ भाई। अच्छा, बीए सेकंड ईयर में। जुकर इस भाई ने गले लग गया भाई, राम राम भाई, राम राम भाई, तने जुकर सोची जुकर इस गले लग गया। बस भाई गले मुलाकात होगी भाई एक बारी तो फिर इकट्ठे रहने लग गए, भाई की सारी सुनी बहुत अच्छी सारी गाओ भाई, और मन की सारी सारी अच्छी लग गया तो अभी सारी सुरी गावा का नहीं? हां गा जाओ भाई। अच्छा सुना दे फिर एक बढ़िया, किस उस पे सुनाऊं भाई? भाई चारा बैठे भाई चारे बयान। मैं किसी तक कह लेना हमने हम तो अकेले खुश रह लिया करा, मैं किसी तक कह लेना हमने हम तो अकेले खुश रह लिया करा, और ज्यादा गलत उठ बैठ मित्र मारी मुंड चार भाई बैठ कर दो गुट ला लिया करा। दो गुट ला ले, ला भी ले वासली मैं क्यों कर ला भी ले भाई। रियलिटी बताइए। हां रियलिटी बताइए भाई। और कोई मामू पे शायरी सुना दे कोई? मां पापा ने बनाई कोई भाई? बनावांगे आगे
बस भाईचारा पे बनाई कहीं बस एक लड़की लड़की में बनाई बस तेरा दिल दुल तो टूट रहा ना भाई कोई दिल नहीं सैड सूट शायरी तो भी करता है भाई भाई साहब हर तरह की शायरी करा हर तरह की सुना दे फिर एक सैड सुना दे के बात इतनी सी है पागल उसने गैर चुने मेरा प्यार नहीं जड़े ना लग गई इस दिल की बोली सड़ाई सा कोई बाजार नहीं अर बेरा ना था मैंने तो वादिया की इतनी कच्ची पावेगी अर नु गाय का छोटगी मैंने कहते ना तो मेरा भी अच्छी पावेगी इब जानना जी नहीं करता जिस गाल में तेरा घर लाग है राज गाय रोज सुपने में देखा है तू भगवान कसम इब तो सोनता भी डर लाग है सोनता भी डर लाग है कौन किन की गाल में जाना चाहता तू और बता दे अरे यार तू पता की बात है भाई जुकर एक तरह का एक्टर हो उसने कोई कंटेंट मिला है वो उस पर एक्टिंग करा अपन लागा भाई रियलिटी में करना है तो यार जरूरी नहीं होती बंदा खुद पर बीतता है आप जो आस पास देखने लग रहे हैं जो बंदे अगले बीतरी वहां देखने लग रहे हैं बस वही लिख दो अपनी शायरी में भाई ज्यादातर इंटरव्यू लेने को मारा दिल टूट रहा है यार देख सीधी ही बात है सब ने मेरा दिल के हुआ दिल का काम तो खून पंप करना हुआ है ठीक है छोरी छोटी यार ईशा तो मैंने को बंदा को देखा अगर ते छोरी उसका गल्ला होगी नहीं हो फिर भी दूसरी प्लान मारागा सीधी ही बात है भाई साहब आज का टाइम पर शरीफ को रहेगा नहीं रहा छोरी का तो नाम काट है मेरे भाई छोरी का इनाम पे रह गया ले बता कि लोग आता अपना सिंपति मिला है ठीक है नहीं सारे दिल टूटे हुए शायर थोड़ी बन जाए यार या तो एक कल्ला हुआ अपना अंदर दिल टूटे पास सारे शायर होंगे लोग ठेका में क्यों जाते शायरी लग जाते करना इन्हें बता दे एक बार लास्ट में और जो क्लब है कौन सी कोई फेमस जगह पर खास जगह पर क्यों पलटती रहा जगह भाई जगह तो फिलहाल तो जो पिछले एमएलए दूसरा शो है इनका जगह तो अब तक सेम रही है अच्छा। मतलब आगे अगर कोई जरूरत पड़ी बदलन की तो शायद पलट भी सका लेकिन मोस्टली तो सेम जगह रहेगी एक संजीवनी हॉस्पिटल अपना बड़ा रोड पार्क एसडी के पास बिल्कुल उसका सामने एक अंडरग्राउंड पार्टी होला अपना हाँ। सिर्फ पार्टी पार्टी होला तो आप उसमें बुक कर लें एक दिन है तर जिस दिन भी अपना मतलब शो अगर उड़ा का दिन हुआ है भाई किसी कारणवश उड़ा बुक नहीं हो पाया तो आप कहीं और ले जाएंगे लेकिन एक वीक पहला आप एक हफ्ता पहला सबने जानकारी दे देंगे भाई अपना इस जगह शो है इस टाइम तक चल रहा है क्या एक दिन में कर दिया शो यार पता इसमें शो का देख कोई पक्का को नहीं अगर मेरे पे 20 बंदे आ रहे हैं ठीक है अगला शो में कि बरा 25,000-30,000 तो मैंने सबकी वीडियो गेड़नी हुआ है और सारी वीडियो में गेड़ूँ मतलब जो भी मतलब मेरे हिसाब से बढ़िया वीडियो है कि हाँ ये गेड़न जो की वीडियो है अगर कोई जातिवाद बोल रहा है अगर कोई गाल दे रहा तो मैं वीडियो में मोस्टली कौन गेड़ता क्योंकि यार अपना जो शो है यू एक तरह का क्लब है यू इसमें एक यू पारिवारिक क्लब है जिसमें हर टाइप का बंदा मतलब शायरी सुन सका इसमें ना तो कोई जातिवाद आएगा ना कोई गाली गलौज आएगी ताकि सारी फैमिली बैठ के इसी सुन सके और वही बात है भाई कि अगर ज़्यादा बंदे हैं तो शो लंबा खिंच जाए भाई इनका जो अगर 17-18 बंदे आ रहे थे तो इनका यू शो नू ले लगे 17-18 बंदे की जब लग वीडियो नहीं गिरती जब लग आप शो ना सुन करते अगला मतलब पूरी पूरी वीडियो गिरेगा सब बिल्कुल भाई अगर कोई बंदा 10 वीडियो गाय जा रहा है 10 ही बड़ी है उसके लिए 10 की 10 वीडियो गिरेगी सिस्टम हुआ है जल्दी शो कराने का चक्कर में कई बार गिरते मैंने पता को नहीं भाई मैटर असली के है कि उनके मन में कुछ और बात हो कुछ और मतलब अच्छा हद कर रहे हो या माड़ा हद कर रहे हो मैंने देखो उस बात का बेरा को लेकिन मेरा सोचना यू है कि अगर बंदा 10 वीडियो गाएगा चाहे नहीं यार तो उसकी 10 वीडियो गेड़ो अगर बढ़िया है तो अपने गेड़ में दिक्कत है सो अपने इसे करके खोल रखा भाई लोगों का टैलेंट दूसरे तक जाए अगर वो 10 वीडियो गाएगा चाहे नहीं एक बंदा तो 10 अपने गेड़ में दिक्कत क्यों आएगी अब 10 की 10 गेड़ा अगर 10 की 10 बढ़िया है तो अब दूसरे शो क्यों कर रहे हैं देख भाई उसका अपना कोई अंदाजा नहीं न्यू तो नहीं भाई तो फीस पीछे कौन लेंदा थोड़ा नेम फेम हो जाएगा उस पीछे तो फीस बता दया कुछ भाई नेम फेम होने के बाद तो मतलब मैं अलग अलग जगह फ्री शो करूंगा इब तो जुकर यार कैथल में करने लग रहे ठीक है कैथल में अगर अपना नेम फेम हो गया सुतरे यूट्यूब पर पीछे आने लगे तो आप अलग अलग जगह कराएंगे किले नरवाना सारा अलग अलग क्योंकि यार उन बंदे ने अपने उड़ाना पड़ा नहीं तो आप इसे सिस्टम कर दें भाई आप उनकी उड़ाने नहीं पड़ा अगर जुकर अपना कोई न्यू भी कर सका भाई किले का कोई यार दोस्त है आप एक ब्रांच उस्ता दे दें ब्रांच कटे खोल दें इसी भाई तो यूरा शो कराने लग जाए तेरी अलग आई डी बना ले तो यूरा है मम्मी ऑपरेट कर जाएंगे ब्रांच खोल देगा और ऑनलाइन टाइम है चल गया हाँ हाँ बिल्कुल भाई मतलब यार जो दूर दूर तक बंदे आ रहे हैं नहीं मैं सिर्फ किस कारण आ रहे हैं भाई मैं मौका मिल रहा है सऊदी आने का उनकी और भी बढ़िया फैसिलिटी दे देंगे जो उनका शहर में खुल गया अपनी यार सही बात हाँ लेकिन वही बात है भाई स्पोर्ट्स चाहिए इसकी चलाना है तेरे भी सारे भाई यहीं एक मुद्दा और हरियाणा में ज़्यादातर यू खिलाड़ी आला जंतर मंतर पर दिल्ली इसके बारे में क्या कहोगे भाई मेरा तो देख यार एक बात नहीं समझ में आ रही सरकार इस बारे में खुल का बात क्यों नहीं करती ओलंपिक में मेडल आए यार और वहीं आज रोड़ा पर बैठे हैं कदे किसान रोड़ा पर बैठे हैं तो सरकार एक बार इनके लिए कम से कम खुलकर बात तो कर सका है इनकी बात सुन तो सका यार इसी तो को बात को नहीं ये अपना देश खातर जो इतना करने लग रहा है कि सरकार ने इतना कभी को नहीं कि भाई इनकी बात ध्यान से सुन ले मैं तो नुकसान कहूँगा भाई देखा अपना सच्चाई का बेरा को नहीं लेकिन जो जिस बंदा की इतनी रिस्पेक्ट हो ओलंपिक तक में मेडल आ रहे हो जिस पास से इतना पैसा हो तो कि मजबूरी होगी अगर वो सड़क पर रहा तो मैं तो कहूँगा भाई एक बार सारे इस बारे में गौर का सोचा है इस बात पर ध्यान दे और सपोर्ट करा भाई अपने खिलाड़ियों ने तो भाई का इंटरव्यू पसंद आए वीडियो लाइक कर दियो चैनल सब्सक्राइब कर दियो और जो और भाई के क्लब में भाई की आईडी पर नंबर मिल जाएगा सारा सौदा मिल जाएगा कॉन्टैक्ट कर सको जो आपने में कोई टैलेंट है फ्री फीस है भाई बस किराया ला के थाना आना यार कैथल तक एक बार राम राम कर दो भाई राम राम भाई सारे भाई है ना जिस भी भाई ने अपना टैलेंट दिखाना हो जरूर पहुंचियो अगला शो की डिटेल में मेरा इंस्टाग्राम चैनल यूट्यूब पर सारी जगह शेयर कर दूंगा और अपना जो चैनल सब्सक्राइब कर लियो वीडियो ना भाई साहब लाइक करे करो तब का शेयर करे करो धन्यवाद भाई सारे भाई है
भाई ने फॉलो भी कर लियो, सब्सक्राइब कर दियो, लास्ट में जा हरियाणा भी ज्यादा तकड़े ही।